हाय दोस्तों, आज हम कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुट-श्लेटर डिजीज। तो ये जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, 11 साल से 15 16 17 साल तक की एज में, तो घुटने के नीचे एक तरीके की सूजन होती है जिसमें इन्हें बड़ा पेन होता है। तो इसको टेक्निकली जगह को एपोफाइसिस बोलते हैं। इस जगह बहुत सारे टेंडन जो होते हैं वो आके लगते हैं। टेंडन ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, नी के सीधा होने में और मुड़ने में। तो ये जो स्ट्रक्चर है एपोफाइसिस, ये एक ग्रोइंग चीज़ है कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये मैच्योर होती जाती है। छोटे बच्चों के अंदर ये कार्टिलेज की सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो इसीलिए जो 11 साल से 15 16 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर जब वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की या स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ के अंदर लगे होते हैं, तो वहाँ जो खिंचाव पड़ता है उसके ऊपर, तो उससे उस कार्टिलेज के अंदर थोड़े इंटीग्रेशन हो जाता है, अलग अलग छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं जो कि पेनफुल होते हैं। तो नॉर्मली ये 11 साल से छोटे बच्चों के अंदर तो ये पार्ट केवल कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और 11 साल से 14 साल की एज तक आते आते इसके अंदर थोड़ा कार्टिलेज से और एपोफाइसिस का बनना शुरू हो जाता है। 14 साल से 18 साल की एज में जाते जाते ये जो एपोफाइसिस होती है ये टिबिया वाली बोन से फ्यूज हो जाती है, और 18 साल के बाद जाके तो ये पूरी तरीके से फ्यूज हो जाती है। तो इसीलिए 18 साल से पहले जब तक ये कार्टिलेज का पार्ट है और अभी बोन से फ्यूज नहीं हुई है, उस पीरियड के अंदर ये ज्यादा सिम्टोमेटिक पेनफुल होती है जब बच्चा भाग दौड़ ज्यादा करता है। तो इसलिए हम इसको ट्रैक्शन एपोफाइसाइटिस बोलते हैं। तो उस पर खिंचाव पड़ता है भागने दौड़ने में, जिसकी वजह से वो जगह पेनफुल हो जाती है। तो क्लिनिकली हम देखेंगे तो उस हिस्से पे हमें एक स्वेलिंग नजर आएगी, जो कि दूसरे हिस्से से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें डिस्टिंक्टली दिख जाएगी कि इस एरिया में स्वेलिंग है। उसको दबाने पे पेन भी होगा, टेंडरनेस होती है उस जगह के अंदर, और जो ट्रैक्शन की वजह से माइक्रो इंजरीज हुई हैं उसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है। तो ज़्यादा तो कॉमन ये बॉयज़ में होती है कंडीशन, 12 साल से 15 साल की एज में ज़्यादा कॉमन होती है। गर्ल्स में भी होती है बट थोड़ी सी यंगर एज में होती है, उनके अंदर 8 साल से 12 साल छोटे एज में होती है। अगर हम देखें कि ये हो रही है तो क्या वो दोनों तरफ हो गया, एक तरफ तो लगभग 20 से 25% केसेस में ये दोनों घुटनों के अंदर होती है। जो ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ता है, उनके अंदर ये सिचुएशन ज़्यादा कॉमन होती है। तो अगर देखेंगे तो उसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगा, उस जगह को दबाने पे दर्द होगा, और वो पार्ट हमें थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं इसके अंदर कि उस एरिया में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो हमें रूल आउट करना है। किसी तरीके का ट्यूमर तो नहीं है बॉन के अंदर, कोई चोट तो नहीं लगी है। नॉर्मल केसेस में ये अपने आप ही ठीक हो जाती है सिचुएशन, और बस यही होता है कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं बच्चे, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, दोबारा नहीं आती है। और शुरू में आपको रेस्ट कराना चाहिए बच्चे को, उस तरीके के मूवमेंट वो ना करे जिसमें वो पेन होता है। छोटे बच्चे जल्दी नहीं उस चीज़ को फॉलो करते, तो नी का इमोबलाइजर आता है, उसमें स्ट्रिप्स लगी होती है वेलक्रो की, उसको पहना के उसको एक तरीके का प्लास्टर जैसी चीज़ होती है। कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, और कुछ लोग इसमें स्टेरॉइड के लिए बोलते हैं बट वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये ट्रैक्शन अपोफाइसाइटिस है और कई बार गलत जगह लगने पे वो गलत तरीके से इंजरी कर सकती है। मेन चीज़ है कि ज़्यादातर केसेस में रेस्ट करने से, आइस फॉर्मेंटेशन देने से और उस एरिया के लिए थोड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी देने से ही कंडीशन ठीक हो जाती है। और एक्सरे करा के देखेंगे हम, उधर लैटरल व्यू कराते हैं तो साइड से हमें बोन के छोटे छोटे डिसइंटीग्रेटेड पीसेस दिखते हैं। कई बार सारा कुछ करने पे भी ठीक नहीं हो रही होती है सिचुएशन, तो हम उस कंडीशन के अंदर बोन के उन पीसेस को निकाल देते हैं और उससे कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है। तो इट्स ए कंडीशन इन ए ग्रोइंग चाइल्डहुड कि जो एज के अंदर होती है। तो ये जब क्लिनिशियन के पास ही केस आता है तो बहुत इजीली ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि वही सबसे कॉमन रीज़न होता है ऐसे बच्चों के अंदर नी पेन का। वो स्वेलिंग भी काफ़ी इजीली दिख जाती है दबाने पे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टिबियल जुबरिकल होता है उसी पॉइंट पे पेन होता है, और ज़्यादातर प्रिकॉशन लेने से और स्पोर्ट्स को अवॉइड करने से कंडीशन ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।